हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म पूजा क्लासेस तो चलिए आज बनने वाले कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन है भारत के पहले एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया आपके ऑप्शंस रहे द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी अमित शाह या राजनाथ सिंह और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है आइए इस एक्सप्रेसवे का खासियत जान लेते हैं इनकी विशेषताएं जानते हैं ग्यारह मार्च को हरियाणा में इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया है ये भारत का पहला एलिवेटेड हाईवे है क्या ये भारत का पहला एलिवेटेड हाईवे है एक्सप्रेस को हरियाणा वाले हिस्से में नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड कहते हैं नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड कहते हैं भारत में पहली एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे विकसित किया गया है यह दिल्ली से गुरुग्राम की सफ़र पच्चीस मिनट में पूरा कर पाएगा द्वारका एक्सप्रेस की शुरुआत एन एच एट दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पर शिव मूर्ति से होगी एक्सप्रेसवे वे नौ हज़ार करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी है इस परियोजना में और द्वारका एक्सप्रेस जो है उनतीस किलोमीटर लंबा है क्या क्या है इसमें यह ग्यारह मार्च को की नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया हरियाणा के गुरुग्राम से किया गया है ये भारत का पहला एलिवेटेड हाईवे भी है इसे नॉर्दर्न पेरीफेल रोड भी कहते हैं दिल्ली से गुरुग्राम का सफ़र ये पच्चीस मिनट में ही पूरा कर देगा और इसकी लागत कितनी लगी है नौ हज़ार करोड़ रुपये और इसकी एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है उनतीस किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेडमी अवार्ड्स 2024 हज़ार ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है ऑप्शन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर किलियन मर्फी एमा स्टोन ओपेन हाइमर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी किलियन मर्फी हाल ही में एकेडमी अवार्ड्स 2024 हज़ार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता है और चारों एक्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं किसने क्या क्या जीता है किलियन मर्फी पहले आइरस एक्ट्रेस हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर जीता है ओपेन हाइवर हाइमर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी का अवार्ड जीता है क्या क्या जीता है ओपन हाइमर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी का अवार्ड जीता है रॉबर्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है क्या जीता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बेस्ट सपोर्टिंग का और उनके करियर का ये पहला ऑस्कर है फिल्म की लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और इनका दूसरा ऑस्कर है तो किलियन मर्फी ने क्या जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड ओपेन हाइमर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग बेस्ट ओरिजिनल और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी का रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किया जीता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल और लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ये एमा का दूसरा ऑस्कर अवार्ड है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का पहला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है इकहत्तरवें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं ऑप्शन है स्विट्जरलैंड पनामा फिनलैंड चेक रिपब्लिक आपका सही आंसर ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक जिसे चेक गणराज्य कहते हैं इकहत्तरवीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा चेक रिपब्लिक देश की है कहाँ की है चेक रिपब्लिक ऑप्शन डी आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर तीन का ये चेक गणराज्य की है जिन्होंने दो मिस वर्ल्ड 2024 का ताज जीता है दूसरे स्थान पर लेबनान की यास्मीन जायटोन है दूसरे स्थान पर कौन है यास्मीन जायटोन क्रिस्टीना मिस वर्ल्ड 2024 का जो ताज उन्हें पहनाया गया ये कैरोना बियालवास्का ने पहनाया जो 2023 की विनर थी 2023 की विनर कौन थी कैरोना बियालवास्का दो क्वेश्चन आंसर बन क्वेश्चन बन गया इसे मिस वर्ल्ड 2024 का ताज क्रिस्टीना को किसने पहनाया 2023 की जो विनर थी कैरोना बियालवास्का उन्होंने पहनाया मिस वर्ल्ड का ये ग्रैंड आयोजन कहाँ हुआ था मुंबई में हुआ था कहाँ हुआ था मुंबई में उन्होंने क्रिस्टीना को फाउंडेशन की स्थापना भी की थी ये क्रिस्टीना पिसकोवा जो है उन्होंने क्रिस्टीना पिसकोवा फाउंडेशन की स्थापना भी की थी नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली ऑप्शन हैं फैज ईसा आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ इमरान खान आपका सही आंसर है ऑप्शन बी आशिफ अली जरदारी पाकिस्तान के चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में आशिफ अल अली जरदारी जी ने चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी पी पी के सह अध्यक्ष स्टूडियो अली जरदारी ने पाकिस्तान के चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली इससे पहले वो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे 2008 से 2013 तक दूसरी बार राष्ट्र प्रमुख बनने वाले ये पहले नेता हैं ये दूसरी बार राष्ट्र प्रमुख बनने वाले भी पहले नेता हैं ये उन्होंने दो सौ उन्हें दो सौ पचपन मत मिले हैं कितने मत मिले और उनके खिलाफ जो खड़े थे शून्य इतिहाद काउंसलिंग उन्हें एक सौ उन्नीस मत मिले हैं कितने मत मिले उनके खिलाफ जो खड़े थे एक सौ और इन्हें दो मत मिले जिन्हें चौदह में राष्ट्रपति के रूप में बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एम एस एम ई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र आपका सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में एम एस एम ई प्रौद्योगिकी केंद्र की, की आधारशिला रखी है महाराष्ट्र में कहाँ रखी है महाराष्ट्र में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है नारायण राणे श्री नारायण राणे जिन्होंने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में रखी है एम एस एम ई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला इस परियोजना में इसकी लागत कितनी है एक सौ करोड़ रुपये इसका अनुमानित लागत लगाया गया है कि एक सौ बेरासी करोड़ लगेगा और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक अर्थव्यवस्था सबसे बड़ दुनिया की सबसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी ग्लोबलाइजेशन में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2030 तक नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी लैंड टनल का उद्घाटन किया गया ऑप्शन है असम हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन नंबर छः का ऑप्शन नंबर डी आंसर है अरुणाचल प्रदेश भारत के अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल का उद्घाटन किया गया है आइए इसके बारे में जानते हैं यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया अरुणाचल प्रदेश में सेला सेला सुरंग जिसे सीला टनल का उद्घाटन कर जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल होगी यह सुरंग चीन के साथ नियंत्रण रेखा के पास तेजपुर के तवांग से को जोड़ती है तेजपुर से तवांग से को जोड़ेगी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2019 में की हुई थी पर कोरोना महामारी के कारण रुक गई थी शुरुआत कब हुई थी 2019 में पर कोरोना महामारी के कारण रुक गई थी इसका निर्माण तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत दो सुरंगें आठ किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत दो सुरंगें आठ किलोमीटर अधिक लंबी सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट पर आठ सौ पच्चीस करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं कितने किए जा रहे हैं आठ सौ पच्चीस करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में जो दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल है इसकी शुरुआत दो हज़ार उन्नीस में हुई थी कोरोना महामारी के कारण रुक गई थी और इसकी इसका निर्माण जो है तेरह हज़ार फीट की ऊंचाई पर किया गया है ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया ऑप्शन है नीता अंबानी जया बच्चन माधुरी दीक्षित नैने स्मृति ईरानी आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नीता अंबानी जी को हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमेनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है इन्हें परोपकारी सेवाओं के लिए ने सम्मानित किया गया है मिश वर्ल्ड ह्यूमेटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है ऑप्शन है हमीरपुर गाजीपुर कुशीनगर या अयोध्या आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है आइए हाँ जानते हैं इस परियोजना की लागत है इक्कीस पॉइंट तीन चार अरब साथ ही चार सौ तिरासी विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है कुसुम योजना के तहत इसके अलावा कुसुम योजना के तहत प्रदेश के बीस हजार किसानों को सोलर पंप देने का प्रमाण पत्र भी दिए हैं प्रधानमंत्री इसके अलावा पच्चीस जिलों के उनचास ब्लॉकों में उनचास किसान कल्याण केंद्रों का शिलान्यास किए क्या क्या किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डी जी के द्वारा किया गया इसकी लागत इक्कीस पॉइंट तीन चार अरब है साथ में चार सौ तिरासी विकास परियोजना का लोकार्पण किए ये उसके अलावा कुसुम योजना के तहत बीस हज़ार किसानों को सोलर पंप देने का प्रमाण पत्र भी दिया उसके अलावा पच्चीस जिलों के उनचास ब्लॉकों में उनचास किसान कल्याण केंद्रों का शिलान्यास भी किए नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसने एनएचपीसी एन एच पी सी लिमिटेड के अध्यक्ष और एम डी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल उत्तम लाल मूर्ति या श्री पी के सिन्हा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद गोयल नौवा नंबर का क्वेश्चन का आंसर है आपका ए ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद गोयल हाल ही में राजेंद्र प्रसाद गोयल जी एन एच पी सी लिमिटेड के अध्यक्ष और एम डी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है और आइए जानते हैं सभी के बारे में राजेंद्र प्रसाद गोयल एन के अध्यक्ष और एम नियुक्त किए गए हैं एन के निदेशक मंडल ने उत्तम लाल को निदेशक के रूप में कार्य रूप में नियुक्त किया है ये 2026 तक कार्यकाल तक रहेंगे एन का पी के ये निदेशक मंडल है उत्तम लाल जी और इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति जी है जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया है दो दिन से दो दिन के पहले क्वेश्चन में बताया था इसका श्री प्रभात कुमार सिन्हा पी के सिन्हा जो है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सी एम डी हैं क्या क्या हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल जी क्या हैं एन एच पी सी लिमिटेड के अध्यक्ष और एम डी उत्तम लाल जी हैं एन एच पी सी के निदेशक कार्मिक रूप में नियुक्त किया गया इनका कार्यकाल दो हज़ार छब्बीस तक है इम्फोसिस की फाउंडेशन पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति जी हैं इम्फोसिस की फाउंडेशन किया जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है और श्री प्रभात कुमार सिन्हा पी के सिन्हा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सी एम डी है नेक्स्ट क्वेश्चन दसवा नंबर क्वेश्चन है जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश असम या हिमाचल प्रदेश और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह जी को मध्य प्रदेश राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के दसवा नंबर का आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के ये सत्येंद्र कुमार सिंह जी राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं तो दोस्तों आज हम लोगों ने करंट अफेयर के दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए कल फिर मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ धन्यवाद